अयोध्या में कल का दिन 492 साल बाद एक इतिहास रचेगा, ऐतिहासिक होगा, इतिहास का हिस्सा होगा। 492 साल पहले रचे गए उस बर्बर विध्वंस का कल सृजन अंश का हिस्सा दिखेगा। उस भूमि पूजन में बहुत सारे लोग जरूर हैं, लेकिन कुछ ही लोग मंच पर होंगे जिनका एक बार आप जिक्र देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच कौन कौन साझा करेगा? कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा इस मंच पर महंत गोपाल दास होंगे, साथ साथ राज्यपाल आनंदी बेन होंगी, उसके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे, इसके साथ साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत होंगे और सलिल सिंघल यजमान के तौर पर इस मंच पर मौजूद रहेंगे, जहां से ये कार्यक्रम खास होगा। अब ये भी जान लीजिए कि किस किस को इस कार्यक्रम में निमंत्रण दिया गया है। 175 ऐसे अतिथि हैं जो इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसमें से 135 साधु संतों को बुलाया गया है। मठ और संप्रदाय के प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे। कुछ कार सेवकों के परिवारों को भी इस दिन खास दिन के लिए बुलाया गया है। सोचिए उनकी खुशी का ठिकाना, उनकी खुशी का आलम क्या होगा, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति राम मंदिर के इस आंदोलन के लिए दी, जिन्होंने अपनी युवावस्था को इसमें झोंक दिया, अपने जीवन को इसमें झोंक दिया। यानी कल वो लोग यहाँ पर मौजूद होंगे जो वाकई इस जगह का अधिकार रखते हैं। अयोध्या केस के पक्षकार इकबाल अंसारी को भी न्योता गया है, जो कई बार कह चुके हैं कि ये राम की जन्मभूमि है और यहाँ राम की जन्मभूमि पर कोई मोहरत काम नहीं आता, क्योंकि ये भगवान का काम है और ये भगवान का काम वैसे ही होना चाहिए। अयोध्या केस के पक्षकार के साथ साथ यहाँ जनकपुर धाम को भी निमंत्रण दिया गया है और फैजाबाद के शरीफ चाचा को निमंत्रण दिया गया है। शरीफ चाचा के बारे में सब जानते हैं। देखिए, भारत जो है वो सत्य की भूमि है, यहाँ की संस्कृति जो है वो वसुधैव कुटुंबकम की है, यहाँ की नीति जो है वो सत्य और अहिंसा पर चलने की रही है। और जब भी आप कभी राम के अस्तित्व को पढ़ने की कोशिश करेंगे, जब भी आप कभी राम को समझने की कोशिश करेंगे, तो यही वसुधैव कुटुंबकम, यही मानवता और इसी अहिंसा की बात राम के पूरे जीवन में समझ आएगी। जब आप राम को अच्छे से समझेंगे, गौर से पढ़ेंगे, तो शायद आपको समझ आएगा कि आपके हिंदुस्तान की धरती पर राम का पैदा होना आपके लिए पुण्य है और इसी हिंदुस्तान की धरती पर आपको गर्व होना चाहिए, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदू सता हमारा। दुनिया को हमने दिया शून्य का ज्ञान, पृथ्वी काटती सूर्य का चक्कर इसका दिया प्रमाण। सदियों पहले आयुर्वेद और योग अपनाया, सर्जरी करना भी दुनिया को हमने सिखाया। एक साथ 104 सैटेलाइट छोड़ने का बनाया कीर्तिमान, यूएसबी का आविष्कार कर बनाई विश्व में अलग पहचान। अपने महान देश का अभिमान, जी हिंदुस्तान, सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान की धरती, धन्य है आर्यावर्त भूखंड, धन्य है भारत देश। कहां तक गाई जाए भारत वर्ष की महिमा, निराकार निर्गुण अखंड अलख अनादि परमात्मा को जब रूप ग्रहण करना होता है, तो वे हिंदुस्तान की इसी पावन भूमि को चुनते हैं। जरा सोचिए कितना गुरुत्वाकर्षण है अयोध्या और मथुरा की भूमि में। इस भूमि ने तो परमात्मा को भी नीचे उतार लिया। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है। भारत भूमि पर अवतरित होने वाले भगवान राम किसी धर्म, जाति, संप्रदाय, क्षेत्र या देश विशेष के भगवान नहीं, बल्कि वो अनादि ब्रह्म हैं जिनका निवास हर जीव जंतु में है, हर चर अचर में है। जब आप भगवान राम के स्वरूप को जानने की कोशिश करेंगे, तो आपको हिंदुस्तान के मनीषियों पर, संतों पर, साधकों पर गर्व होगा। और हाँ, भगवान राम की व्यापकता तो हर तरह के दुनियावी बंधनों से परे है। इसीलिए सगुण ब्रह्म के उपासक, निर्गुण के उपासक, अद्वैतवाद को मानने वाले वेदांती,
यहाँ तक कि कृष्ण भक्ति परंपरा के संत भी राम नाम की महिमा का बखान करते नहीं थकते। राजस्थान की धरती का गौरव कृष्ण भक्ति स्वरूपा माता मीरा यूं तो कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन वे भी कहती हैं, मेरो मन राम ही राम रटे रे, मनवा राम नाम रस पीजे। भगवान कृष्ण की बाल लीला का अद्भुत सौंदर्य बिखेरने वाले मध्यकाल के भक्त कवि सूरदास कहते हैं, जो तू राम नाम चित धरतो, अब को जन्म अगिलो तेरो दो जन्म सुधरतो। जीवन भर कर्म कांड का विरोध करने और पाखंड के खिलाफ बेलौस आवाज बुलंद करने वाले, यहाँ तक कि भगवान राम को राजा दशरथ का पुत्र मानने वालों का मजाक उड़ाने वाले संत कवि कबीर दास भी कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जा पर राम नाम धन होए। सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव के मन में भी राम के प्रति अनन्य अनुराग है। उन्होंने कहा है, रे मन राम सो कर प्रीत, बलिहारी वा घाट की जा घाट परगट होए। 16वीं शताब्दी के संत कवि मलुकदास भी राम नाम की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं, इंसान की जिंदगी मिली है तो ये राम नाम जपने का सबसे अच्छा अवसर है। वे कहते हैं, राम कहो राम कहो राम कहो बावरी, अवसर ना चूक प्यारे फलो पायो दावरी। राम नाम की अनंत महिमा का बखान करने वाले ये वो संत हैं जिनका नाम राम भक्ति की धारा में शुमार नहीं है। अनन्य राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास तो कहते हैं, संभु विरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। इसका मतलब ये है कि भगवान राम वो हैं जिनके अंश से अनेकानेक शिव ब्रह्मा और विष्णु निकलते हैं। राम मात्र एक व्यक्ति नहीं है, वो हमारी संस्कृति है, वो धर्म के साक्षात विग्रह हैं, वो हमारे पूर्वज भी हैं, वो अवतारी पुरुष भी हैं, वो हमारे सनातन आर्य वैदिक संस्कृति के पुरोधा भी हैं। राम मर्यादा हैं, राम जीवन का श्रेष्ठ आचरण है। आप समझ सकते हैं कि हमारे साधु संतों, चिंतकों और मनीषियों ने राम के रूप में कितनी व्यापक कल्पना की है। आखिर क्यों है राम की इतनी महिमा? दुनिया अगर राम के स्वरूप को थोड़ा भी समझ ले तो धरती से वैर मिट जाएगा, असमानता खत्म हो जाएगी, भेदभाव मिट जाएगा, ईर्ष्या द्वेष मान अपमान प्रतिकार प्रतिघात के भाव खत्म हो जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान राम स्वयं कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाई। यानी सखिल ब्रह्मांड में जितने भी जीवधारी हैं वे सब मुझे प्रिय हैं, क्योंकि सबको मैंने ही बनाया है, हालांकि मनुष्य उन सब में मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। यहाँ भगवान राम ने मनुष्य बोला है, हिंदू नहीं बोला है। यही हिंदुस्तान का धर्म है, यही इसका वसुधैव कुटुंबकम है। जी मीडिया। राम के इन्हीं आदर्शों के साथ अहिंसक धर्म बंधा है। राम की धर्म निष्ठा यही थी और उनके राम राज्य की परिकल्पना भी यही थी कि कैसे मानवता को सबसे ऊपर रखा जाए, और इसी मानवता के साथ हिंदुस्तान की इस परिकल्पना को अब कल से फिर शुरू किया जाएगा, एक नया अध्याय लिखा जाएगा जिसके साक्षी आप, मैं और पूरा हिंदुस्तान होगा। इसीलिए फिर से कहिए और गर्व से कहिए, सारे जहां से अच्छा हिंदू सता हमारा, यही है वंदे मातरम।